हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एमपीजीके की, जिसका मैं भाग फोर्थ आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं तीन भाग पहले से अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जिससे व्यापम के किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेड बटन पर क्लिक करके। और जो मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को भी साथ में दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि व्यापम में आने की 100% चांसेस हैं। तो पहला है, मध्य प्रदेश में शुंगकालीन स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है भरूत। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर है, तो वो है भूमरा में। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर है, तो सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भूमरा में। प्राचीन नगर भोजपुर किस जिले में जहाँ स्थित शिव मंदिर में भारत में सबसे ऊंचा शिवलिंग है, तो वो पुराना रायसेन में। रायसेन को पहले भोजपुर जिला कहा जाता था, वहाँ सबसे बड़ा शिवलिंग है। कलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी, तो वो त्रिपुरी। कलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, त्रिपुरी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो त्रिपुरी में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक स्थित है, तो वो अनूपपुर में स्थित है। बांधवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो वो रीवा में स्थित है। झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था, तो वो 1935 में चलाया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1927 में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय तक भूमिगत रहे, तो वो थे ओरछा में। मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो बानपुर और सागर में हुआ था। ये बानपुर और सागर में हुआ था। महाजनपद काल में उज्जैन किसकी रानी थी, तो वो अवंती की राजधानी थी। मंदसौर अभिलेख से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है, तो वो दसपुर की। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट किस जिले में, तो वो सतना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में ओबजॉय के नाम से प्रसिद्ध है मांडू के किले। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है, तो वो खजुराहो में स्थित है। निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश सीमा से नहीं लगता, तो केरल, उत्तर प्रदेश लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है और राजस्थान भी लगता है। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो वह है 5 राज्य। भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया था, तो वो मध्य प्रदेश ने किया था राष्ट्रीयकरण। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्था कहाँ स्थित है, तो वो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में वन से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश में घने और अति घने वन 43.4% क्षेत्र पर है। मध्य प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम वन है, तो वो है शाजापुर में। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, तो वह है 30.7। भारत के कुल वन का कितना प्रतिशत वन मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है, तो वो 12.4% पर। मध्य प्रदेश में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, तो वो है बरगद। निम्न में से किस पुष्प को मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कहा जाता है, तो वो है लीली। किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो वो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो वह है 9,4689 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य का प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है, तो वह है 0.16 हेक्टेयर। वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, 1970 में। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो वो सागौन का।
मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो वो बालाघाट में पाए जाते हैं। भारत का वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? तो वो है भोपाल में। मध्य प्रदेश में बिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? तो वो है छिंदवाड़ा से। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? तो वो है सोन नदी, जो कि यमुना नदी में नहीं मिलती है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है? तो गांधी सागर बांध, ये नर्मदा नदी पर नहीं बना, चंबल पर बना हुआ है। एस्चुरी का निर्माण किस नदी द्वारा किया था? तो ये नर्मदा ताप्ती दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं बरंस घाटी की वजह से। किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? तो चंबल को चरमावती नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को चरमावती नाम, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओरछा किस नदी पर स्थित है? तो वो है बेतवा नदी। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश नदियाँ किस में मिल जाती हैं? तो वो अन्य दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती? तो कृष्णा नदी। नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, महानदी भी बहती है, कृष्णा नदी नहीं बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो वो नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो सॉरी ये रिपीट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नर्मदा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो वो चित्रकूट जलप्रपात। तो दोस्तों ये आज के 50 क्वेश्चन ये MPG के से थे, जो कि व्यापम के हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।